कागजों की ग्रीस वाली राजधानी नहीं होते। धन्यवाद करना चाहूंगा अमर रहे अमर रहे। धन्यवाद करता हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत रावत जी यहाँ पर समरकंदी में पहुंचे हुए हैं और साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सभा मंत्री मुकेश धौलिया जी और समस्त कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे श्री सुंदर सिंह रावत जी और यहाँ जो है और मुझको ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसके दिनों बड़े बधाई और काश आप सब इसी तरीके से लड़े होते तो आज स्थिति आप खाली कागजों की ग्रीस वाली राजधानी नहीं होते जमीन की राजधानी भी हो जाती यदि यदि आप लड़े होते। तो ये पहली बार हमारी बहनों ने जो आपको रास्ता दिखाया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ तो बहनों को बहुत बधाई देता हूँ और अपनी तरफ से गोविंद सिंह जी प्रीतम सिंह जी मुकेश भट्ट जी पृथ्वीपाल चौहान जी सब लोग आए कमल रावत जी सबके तरफ से मैं आप सबको हमारा समर्थन है। मैं आज मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा उनकी कार्य समिति की मीटिंग चल रही है अभी मैंने लगवाया था टेलीफोन जो है धन सिंह जी से भी बात नहीं हो पा रही उनसे भी बात नहीं हो पा रही है मैं उन दोनों से भी बात करता हूँ और अभी चलते चलते मैं रास्ते में ये मेरी डीएम से भी बात करवा देंगे ताकि डीएम भी आए जरा बातचीत करें उससे क्यों इतनी बड़ी संख्या में बहनें यहाँ आई हैं तो समझने का विषय है क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस हमने हॉस्पिटल सब खोले और ये तो बड़ा हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन और उसमें भी उचित जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उधर जिस तरीके से डॉक्टर्स आदि की कमी है कल भी मैंने पूछा था किसी से तो मुझे बताया था उन्होंने बहुत नामांक के जो है डॉक्टर्स रह गए हैं तो ये स्थिति स्वीकार्य नहीं और एक्सरे मशीन में काम करते न हो अल्ट्रासाउंड मशीन न हो तो फिर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसा है तो ये हम पर बड़ा गंभीर सवाल और गैक्सन को एक तरफ हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसमें ये बुनियादी चीजें जो हुई हैं उनको भी नहीं करते हैं तो ये चिंता का विषय है। हमारा बहुत आपको समर्थन है बहुत स्वागत है क्योंकि मैंने अभी भराड़ी शहर में एक घंटे का मौन व्रत रखना है और उसके बाद तबीयत ठीक नहीं हो रही है देहरादून भागना है मैं आप सबसे बहुत समा चाहता हूँ और अपना समर्थन आपके साथ दोहराता हूँ। आपने यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे गैरसैंण के अंदर हैं जो बदहाल स्थिति है उसको लेकर आपने अपना धरना यहाँ पर दिया है और हमारे सरोज जी ने आपको अपना समर्थन दिया है हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अभी माननीय हरीश रावत जी ने गैरसैंण की उपेक्षा को लेकर के और भराड़ी शहर में जिस प्रकार न सत्र हो पाया और नानी है ताई इसको लेकर के एक घंटे का मौन व्रत माननीय हरीश रावत जी का वहां पर होगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा
कि आप सब लोग भरण शरीफ की बात पहुंचे कष्ट करें। इस मंच में स्वागत एवं धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस धार्मिक घटना प्रदर्शन में अपना सहयोग एवं समर्थन दिया और लगातार गैरसैंण की पीड़ा को समझा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पीड़ा चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती बसंती प्रसाद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र की पीड़ा को समझने का कष्ट करें और इस क्षेत्र की पीड़ा को यहाँ के लोगों के सामने का लाने का कष्ट करें। श्रीमती बसंती प्रसाद जी क्योंकि जिस मुद्दे में जिस समस्या के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुई है अपना धरना प्रदर्शन कर रही है तो कहने के लिए शब्द नहीं है कि कैसे आप लोग का आभार करें। हमें यहाँ मौका नहीं मिल पाया इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है कि मैं अभी तक आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई, लेकिन ये मेरा सबसे अहम और पहला मेरा एक लक्ष्य था। बल्कि मैं भाई जी यहाँ पे हमारे अगर बुजुर्ग है उनसे ये बात में छेड़ चुकी थी कि हमारी महिलाओं की समस्याओं पे कम से कम ध्यान दिया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले महिलाओं की समस्या पे तो कम से कम ध्यान दिया जाए। अस्पताल की स्थिति आप देख ही रही है, दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाएं आई, गर्भवती माताएं आई हैं, आ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उनका हॉस्पिटल में अगर वो आती है तो वहां उन्हें डॉक्टर नहीं मिलता है, उन्हें वहां कोई सुविधा नहीं मिलती है और उस पीड़ा को जो एक प्रसव की पीड़ा होती है या फिर आपकी महिलाएं और हम उस पीड़ा को समझ सकते हैं। तो जब दूरस्थ क्षेत्र से इतनी कठिनाइयों के साथ जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ हॉस्पिटल में हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई ना डॉक्टर मिलता है, ना कोई घास मिलती है, कोई ना अटेंड नहीं करता है, सीधा बैठा है और चाहते जाते रास्ते में जाते जाते आप सबके सब उचित है कि उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं जाती है, वो शब्द तो बोलने का भी यहाँ पे मन नहीं कर रहा है कि कैसे उस पीड़ा को यहाँ पे व्यक्त किया जाए। लेकिन और हटीरों के शीर्षक यहाँ पे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पर महिलाएं घास काटने जाती है, पेड़ों में जाती है, पहाड़ों पर चढ़ती है और उनके साथ अकस्मत कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं, चाहे पैर होना, हड्डी घात का फ्रैक्चर होना, पैर का फ्रैक्चर होना, तो उसके लिए हमें कंपनियां या रानी खेत जाना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे गैर से क्या यहाँ पे सुविधा हमें उपलब्ध नहीं हो सकती है? हो सकती है, पर कोई करने के लिए तैयार हो तब ना, और हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी आप सभी विद्युत है ये जैसे आप यहाँ पे बहन के लिए बात और चिकित्सक है ये बहुत जरूरी है। हमको छोटे छोटे बच्चों को लेकर रानी के कंपनी कहाँ कहाँ जाना पड़ता, हल्द्वानी जाना पड़ता है, उसके बाद आईसीयू एनआईसीयू पता नहीं कहाँ कहाँ बच्चे को डाल देते हैं। तो इससे बाल रोग विशेषज्ञ की यहाँ बहुत जरूरत है, इससे लोग विशेषज्ञ की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है और हड्डी रोग विशेषज्ञ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग की ये तीनों जो मांगे हैं बहुत ही उचित और सही है। मैं ज्यादा कुछ ना कहना चाहूंगी, सिर्फ यही प्रयास और कोशिश करूंगी कि आपके इस आंदोलन में मैं भी अपनी भूमिका निभा पाऊं, कोशिश करूंगी कि आपके साथ में भी खड़ी रहूं। धन्यवाद सभी माता बहनों का। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है अगर हॉस्पिटल को लेके बोले और ज्यादातर समस्याओं की बात करें तो उस समस्या से पीड़ित हमारी महिला है, क्योंकि अभी तक भी महिला को समाज में बहुत पीछे माना जाता है। तो हम लोगों का जो आज यहाँ पे आने का उद्देश्य है कि जो हमारे जितनी भी दिक्कतें हैं
जब तक आंदोलन है जो नारा है हम इसको समापन नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और प्रयास करेंगे सारे लोग कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके जो अपनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत कराएं ताकि सरकार भी उन समस्याओं पे ध्यान दे के उन समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि इस कर्मी धरना प्रदर्शन को आज 32वां दिन चल रहा है और लगातार पहले नगर क्षेत्र में जितने भी महिला मंगल दल हैं उनके द्वारा यहाँ पर सर्विक धरना आंदोलन में अपना समर्थन दिया गया और अब लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भी महिलाएं यहाँ पर सर्विक धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को यह बता दूं कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है, किसी भी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप लगातार जिस तरह से आज तक इस कर्मी धरना प्रदर्शन में अपना सहयोग एवं समर्थन देने पहुंचे हैं, लगातार जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, चाहे हमको यहाँ पर आने वाले टाइम पे चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े, उसके लिए आप सब लोगों ने इस आंदोलन में अपना सहयोग देते रहना है। हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत हरेंद्र सिंह रावत, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता कि आपने इस सत्र में धन्य सहयोग एवं समर्थन देने यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने हम और साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की जो कॉलोनी है उनकी महिला मंगल दल की अध्यक्ष और उनकी समस्त टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा। पंच कॉलोनी की महिला मंगल दल अध्यक्ष और उनकी सभी सदस्यों को कि आप नियमित रूप से जब जब यहाँ पर गैरसैंण की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आंदोलन किया जाता है आप सदैव यहाँ पर खड़े रहते हैं। और सबसे पहले दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी का कि आपने गैरसैंण की समस्याओं को देखते हुए गैरसैंण स्वास्थ्य सुविधाओं में जो असुविधाएं होती हैं उसको देखते हुए आपने इस कर्मिक अनशन को जो चिंगारी आपने जगाई है मुद्दे पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा जगत के मामले में हो, चाहे गैरसैंण में सड़कों के मामले में हो, चाहे गैरसैंण में आवारा पशु जो इससे पूर्व एक अभियान चलाया था आपने कि जब आवारा तो हम नहीं बोल सकते हैं उनको क्योंकि बहुत विचित्र आज एक हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कि जिस गौ माता को पहले हम पूजनीय मानते थे आज लोगों में बिल्कुल जैसे एक चाइनीज आइटम होते हैं कि बिल्कुल जब तक उससे फायदा मिला तब तक उसका यूज किया और उसके बाद उसको फेंक दिया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के लिए जब हमने मांग की थी और उत्तराखंड बना, आज उत्तराखंड बने हुए पूरे 23 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आज हम अपने मांगों को लेकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अरे धिक्कार है ऐसे विधायक को, धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जो सिर्फ गैरसैंण के नाम पर राजनीति करते हैं, जिन्होंने डेरा डाला रहता था। आज से इससे पूर्व जब आप विधायक नहीं थे तो इससे पहले रात दिन आप इस गैरसैंण के डाल वाला में सोए पूछते थे। अरे कहां गए आप, आज क्यों आपको आज हमारी जनता की आवाज नहीं सुनाई देती है? आज पूरे 32 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन में, अरे एक दिन आकर आश्वासन तो दो हमारी माताओं को। क्या सिर्फ राजनीतिक करने के लिए गैरसैंण के नाम पर राजनीति करते हो?
बहुत दुर्भाग्य है विधायक जी, क्योंकि आपको विदित हो चुका है, आपको ज्ञात हो चुका है कि आपको तो ज्ञात है जिस दिन हमारा जो कर्पया विधानसभा की जिस दिन वोटिंग खुली, जिस दिन हमारे उत्तराखंड की वोटिंग खुली, कर्पया विधानसभा क्षेत्र से जब आप अपने कर्पया विधानसभा क्षेत्र के छात्र से पीछे थे तब तो आप बहुत सारी वोटों से पीछे थे, लेकिन जैसे ही गैरसैंण की जनता ने आपको जो प्यार जो इसने दिया, आप तो उस मुद्दे को भूल गए, आपने तो गैरसैंण के उस प्यार को त्याग दिया। अरे गैरसैंण की जनता ने, हमारी इस मातृशक्ति ने, हमारे इन भाइयों ने, हमारी गैरसैंण की सम्राट जितने भी हमारी देवतुल्य जनता है, आपको अपना एक बार तीसरी बार आपको अपना नेतृत्व करने के लिए बागडोर संभाली या बागडोर आपके हाथों में दी, आप तो उस चीज को भूल रहे हैं। विधायक जी कम से कम इस धरना स्थल पर तो आइए, कम से कम आप शासन में होकर प्रशासन को तो भेजिए। आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें आतुर हो चली है, देखो हाथों में इस प्रकार से तख्तियां पकड़ी है कि हमें बाल रोग विशेषज्ञ चाहिए, हमको अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, हमको यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट चाहिए। कहां गए आप? आज कैसे नहीं दिख रहा है आपको? यही मंच है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आपको राजनीति करने के लिए यही मंच गैरसैंण वालों ने दिया है कि जब यहां पर आपके, चाहे कोई भी पार्टी है, मैं इस समय कोई पार्टीवाद की बात नहीं करता हूं, मैं इस समय कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अरे जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के है, मैंने देखा कि आपका बैनर कभी यहां पर पूरे कमल के फूल टके होते थे तो कभी यहां पर हाथ की बौछारें यहां पर देखने को मिलती थी। आज कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आप लोगों को धिक्कारते हैं हम लोग, आप लोगों को हम नकारते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को कि जो सिर्फ गैरसैंण के नाम पर राजनीति करते हैं और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहने इस प्रकार से तख्तियां पकड़ी हुई, इस प्रकार से आंदोलन में अपना काम काज छोड़कर, क्योंकि पुरुषों ने तो शायद अब चूड़ियां पहन ली है, पुरुषों को तो नहीं लगता है, क्योंकि वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द, क्योंकि अब ये शुरुआत है, ये चिंगारी की शुरुआत है, बहुत जल्द इस प्रकार से एक दिन भारत फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा अगर पुरुष लोग अपना साथ यहाँ पर हमारी मातों बहनों को नहीं देंगे, क्योंकि हमारी मातृशक्ति जानती है। आज मातृशक्ति को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है तो हमारी मातृशक्ति जानती है कि हमने किस प्रकार से अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि इस गैरसैंण के नाम पर सारे राजनीति करते हैं, करने को तो राजनीति कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। हमारे धन सिंह रावत जी, आप जब लास्ट टाइम यहां पर थे, आपने जो मंच के माध्यम से चुनावी घोषणाएं की थी, आपने कहा था कि एक बार हमको दोबारा सत्ता में आने दो, जो भी कमियां मुझसे, क्योंकि इससे पूर्व वो हमने मौका दिया था उनको, हमारे श्रीनगर विधानसभा से विधायक बने थे और शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री वो बने थे, उन्होंने कहा था कि जो मैं नहीं कर पाया दोबारा मौका दो, अगर मेरे पास यही मंत्रालय रहा तो मैं गैरसैंण के साथ सुविधाओं में चार चांद लगा दूंगा। अरे शिक्षा मंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हम आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि गैरसैंण में जब पीपीबी मोड में था, पीपीबी मोड में यहाँ पर अभी इससे पूर्व हमारी बहन बसंती फरसान जी ने कहा कि मैं, मुझे याद है कि पीपीबी मोड में जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, जब मेरा एक्सरे हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ होकर यहाँ से गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने ब्लॉक के मुख्यालय में जो यहाँ पर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे ठीक होकर गई थी। और क्योंकि जब आपको गुरु मिलता है, एक गढ़वाली कहावत है कि पर आज नहीं कुछ और में जो कि जो कुछ रहा हमें से गुरु लगे, तो वही बात है कि वो चौकिया जबकि वहां से बहुत नियरिस्ट है, केवल मात्र 10 किलोमीटर पुनिगार क्षेत्र के चौकिया है, लेकिन वो गैरसैंण आए थे और ठीक होकर गई थी, तो वो आज भी उसका गुणगान गाती है हमारी बहन फरसान जी। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि दिल के अंदर इतने उद्गार है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस उद्गार में कहीं बहुत ज्यादा ना बहक रखूं, पर पुनः समस्त महिला मंडल कोठार को नतमस्तक प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, मैं पुनः
धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय बड़े भाई श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी का कि आपके नेतृत्व में जब जब गैरसैंण को आपकी जरूरत पड़ी आपने बिल्कुल मौका दिया, अपना समर्थन दिया। बोला तो है आपको कि यह मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोई कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है, ये कोई आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है। ये मंच अगर बनाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ गैरसैंण की जन समस्याओं को लेकर, गैरसैंण की मुद्दों को लेकर यह मंच बनाया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अपने पेट के माध्यम से हमारा छोटा अनुज मनोज कुमार जी का, हमारी बहन चौहान जी का कि आप अपने यूट्यूब के माध्यम से गैरसैंण की जितनी भी समस्याएं होती हैं, गैरसैंण में जो जो प्रोग्राम होते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चैनलों के माध्यम से गैरसैंण की समस्याओं, क्योंकि अरे आप तो उन नेताओं से भी महान हैं, कम से कम आप प्रदर्शित कर रहे हैं। अरे कहां कर रहे हो संसद में नेता, क्यों नहीं आते हैं इस मंच पर? क्योंकि उनको पता है कि आपने जनता को ठगा है, आपने जनता से कोरी घोषणाएं की है, आपने जनता के लिए जनता के आंखों में सिर्फ एक काली पट्टी बांधी है, इसलिए आप आज जनता के सामने अपना फेस नहीं कर पाते हैं। बहुत ज्यादा न कहते हुए एक बार पूरे समस्त महिला मंडल कोठा की माता बहनों को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जय। मैम आपका क्या नाम है, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैडम मैं छैनी कॉलोनी से, छैनी कॉलोनी से पार्वती देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बोल रही हूँ। यहाँ पर डॉक्टर की बहुत वो है, हम लोगों को कोई बुखार भी आ रहे तो बोल रहे आगे ले जाओ, उन्होंने तो भी फर्स्ट सेंटर बना रखा है। परसों हमारी एक प्रसव वाली आई थी, वहाँ पर डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया कि यहाँ इसको मत रहो, आगे ले जाओ। उस बिचारी का आदमी ने 5-6 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत टेंशन में हो गया वो कि आगे कहाँ ले जाएं, क्या करें। दूसरे दिन वो वहाँ पर आई, उसके सुलहर के नीचे बच्चा ही ऐसे खड़ा खड़ा हो गया। वहाँ पर तो ये व्यवस्था नहीं है, एक बुखार में भी उन्होंने रिफर सेंटर बनाया कि आगे ले जाओ, कहाँ जाए, जिसके पास पैसे होंगे वो तो आगे चले जाएंगे, जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो यही मर जाएंगे। तो इनकी एक प्रतिक्रिया जो व्यक्त करना चाह रही है, और जो यहाँ पे बैठी है किस विषय में और ये क्यों बैठी है, किस चीज से ये परेशान है, जो उनको पत्नी नहीं यहाँ पे हो गए हैं, तो उन्हीं के बारे में चलिए हम जानते हैं इनसे। मेरा नाम है सरस्वती अग्रवाल, मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष ग्राम पोखर से हूँ, और आज यहाँ पे एक प्रदर्शन में आए हैं जिसमें कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम स्वास्थ्य को लेकर कहें तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे। अगर गैरसैंण की बात करें तो जो हमारा हॉस्पिटल है एक ढांचागत हॉस्पिटल है, इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। असुविधाओं की बात करें तो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, और हड्डी का डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, महिला विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, और हम लोगों को जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूर दरार का क्षेत्र है, गांव से बहुत दूर दूर से महिलाएं आती हैं और एक सहारे से आते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके हमारा इलाज होगा, उपचार मिलेगा और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक होगा, लेकिन वो यहाँ से निराश होके जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की असुविधाएं हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए हमारी एक जो गर्भवती महिला है उसको कणबियाग जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, किसी को उल्टी होती है, तबीयतें खराब हो जाती है, कई महिलाओं के साथ दुर्घटना हो जाती है। कई लोग ऐसे गाँव में है कि जो बेरोजगार है, जो झाड़ी मजदूरी करते हैं, और उनके साथ अगर ये समस्याएं आ जाए तो उनको बाहर जाने से वो फ्री पे रहते हैं, जिससे कि वो एक मौत के शिकार बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है कि मरीज के साथ एक कैसी बात की जा सकती है। एक कहावत है कि मरीज अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर के हाथ लगने से ही मरीज की आधा बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका व्यवहार इतना बेकार है कि वो जो मरीज है उसके साथ भी व्यवहार अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम बाल विशेषज्ञ डॉक्टर की बात करें तो बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वो यहाँ पे लेके आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आगे ले जाओ, रेफर कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि वो मजदूरी करके अपना परिवार का लालन पालन करते हैं और वो आगे नहीं जा पाते हैं, तो उनके बच्चे उसी बीमारी से पीड़ित होकर वो एक दिन मौत का शिकार बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे गैरसैंण क्षेत्र की, और अधिकतर जो हमारी महिला होती है
कि जो यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है कि प्राइवेट से अपना इलाज करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सुविधाएं भी इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे कि आपने बताया जैसे कि आपने बताया कि किसी भी चीज के लिए वो रेफर करते हैं, आप चाहे आपकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, तो उसके लिए आपको रेफर किया जाता है, या तो फिर कंट्रैक्ट में या फिर आपको तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ से कंट्रैक्ट अगर जाना हो और किसी को जैसे इमरजेंसी हो जाए, तो गैरसन से और जो कंट्रैक्ट का रास्ता है वो ढाई घंटे का रास्ता है, कोशिश अगर की जाए साथ ही साथ अगर चार लोग जाती है मरीज को, तो वो उसकी जान बच सकती है। लेकिन ये कि अब बड़ी बात है, आसानी बात है, विडम्बना यही है कि पहाड़ी जाने में रास्ते में कुछ नहीं हुआ है, हुआ है कई लोगों का तो आपका ये लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि 32 दिन हो गए हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है? अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वोट मांगने के लिए सब आते हैं, उस समय तो सब लोग होते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इस धरना प्रदर्शन की बात करें तो 32वां दिन है, तो हमारे बीच में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो बहुत दुख की बात है कि अपनी अपना हाथ काट के हमने उन लोगों को विश्वास दिया है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े नहीं। सरकार से उम्मीद तो हम ये रखते हैं कि वो हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे वो ब्लॉक स्तर के हो, चाहे वो क्षेत्र स्तर के हो, चाहे वो जिला स्तर के हो, और हमारा उनसे ये निवेदन है कि जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, तो वो हमारे साथ यहाँ पे आए, हमको आश्वासन दे, आश्वासन भी देंगे तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। और दूसरा हमारा ये है कि हमारा एक निर्णय, एक संकल्प ये है कि अगर यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन से हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं वो पूरी नहीं होती है, तो हमारी मातृशक्ति वो अभी चिंगारी के रूप में यहाँ पे आई है, वो एक आग के रूप में आगे तक जाएगी और अपनी समस्याओं का समाधान करके वापस आएगी। पहले तो आप मेरा नाम शकुंतला है, मैं ग्राम कोठार से जी। यहाँ पे जो लगातार 32 दिनों से जो हो रहा प्रदर्शन है, उसमें आज हम लोग भी आए हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए। बेसिकली यहाँ पे एक बेसिक चीज है कि एक हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज 22 साल हो चुके हैं, मतलब 22वां साल चल रहा है, उसके बावजूद भी कितनी सरकारें आई और गई हैं, हमें फिर भी उस मतलब अपनी बेसिक चीजों के लिए यहाँ तक आना पड़ रहा है, तो हमें मतलब किस चीज पर हम भरोसा कर सकते हैं? वो गवर्नमेंट किस काम की है कि जो एक बेसिक चीज के लिए हम लोगों को, एक महिला मंगल दलों को, मातृशक्तियों को मतलब प्रदर्शन करने के लिए आगे बुला रही है, किस चीज मतलब क्या कह सकते हैं ऐसे गवर्नमेंट को? बेसिक चीज हॉस्पिटल ही नहीं है, शिक्षा का है, शिक्षा के नाम पे भी ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार यहाँ पे नहीं है, सड़कों का हाल क्या है? अगर आपने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो किस विभाग में किया है, और अगर घोषित कर ही दिया है तो कहाँ है यहाँ की सारी फैसिलिटियाँ, कहाँ है यहाँ के लिए जो चीजें आज होनी चाहिए यहाँ पे? एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहाड़ों से पलायन को रोको, पलायन रोको जी, पलायन कैसे रुकेगा कैसे, ठीक है, आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, अच्छा हॉस्पिटल नहीं दोगे, अच्छा यहाँ पे रोजगार नहीं दोगे, तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जहाँ पे उनको ये सारी चीजें मिल रही है। इसके अलावा मैं और क्या कह सकती हूँ, सब लोगों ने अपनी बातें रखी दी है, थैंक यू। चला भूलोगे सैनी जायोला, हॉस्पिटल चला।
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे।